Hi and welcome to yet another episode of Alpha Bites, the extremely interesting program conceived by District Governor Sandeep Agarwala to get to know the presidents in the Alpha year. We are in this wonderful town of Vasai, where we have come to meet our friends from the north of Bombay. So people from the south are meeting from the friends who are in the north. Please welcome Rotary Club of Dahanu President Sanjay Karnawal. Hi Sanjay and welcome to the show. Thank you. So, Sanjay is the president of the Rotary Club of Dahanu, which was formed in the same year as I was born. Well, that's about 25, 26 years ago. So, we are the same age. Sanjay is a BCom and is in the business of distribution of food items like Balaji wafers. Wafers, I was shown in his hand. Okay, great. So, Sanjay has a very interesting life. He enjoys social activities, is a trustee of his Swetambar Jain Samaj. I am a Digambar Jain. Very good. But nobody trusts me. He's a trustee, but nobody trusts me. He's also a director on the board of a cooperative bank. Wife Smita is a homemaker, and they have a son who's studying BCom and company secretary. So, welcome to the show, Sanjay. Thank you. And I will ask you a few questions. Okay. And please answer whichever way you want. Yes. So, from the Rotary point of view, strengthening old projects or putting in new projects in place, what do you prefer? I prefer both. Because old projects is also so important for the club. It is an ongoing project and जो हमारे आगे वाले जो president है, उन्होंने जो सोच समझ के जो किया है जो कि भाई सोसाइटी को देख के कि सोसाइटी को ये ज़्यादा ज़रूरत है तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट आज भी सक्सेसफुली चल रहा है तो उसको भी रखना चाहिए और पुराने प्रोजेक्ट को भी अरे नए प्रोजेक्ट को भी अपन लेना चाहिए क्योंकि आज की जो नीड है उसको भी क्योंकि नीड बदलती रहती है तो उसको भी अपने को कंसिडर करना है कि भाई नया प्रोजेक्ट नया कंसिडरेशन चाहिए तो नए प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है और पुराने प्रोजेक्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट दोनों प्रोजेक्ट को लेके साथ चलना ज्यादा क्लब के लिए जरूरी है करेक्ट सो दैट्स अ वंडरफुल आंसर के पुराने जब जो प्रेसिडेंट्स थे हमारे उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया होगा ये प्रोजेक्ट्स तो उनको भी आगे ले चलना है और आज की नीड के हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स करना है गुड आंसर संजय थैंक यू फॉर दैट एनी एग्जांपल वेयर वेयरिंग द रोटरी पिन हैज मेड अ डिफरेंस टू यू या वेरी मच It is my self-experience. When I am out of Dahanu for a tour at Jaipur, so वहाँ पे I wear a pin of Rotary, and one guy meet me. He is a patrakar of Navbharat Times. Navbharat करके जो हिंदी पत्रिका आती है उसका वो पत्रकार था उसने भी वो भी रोटरियन था तो उसने मेरे को इससे पहचाना कि यार रोटरियन तो मैंने बोला यस आई एम फ्रॉम Dahanu तो बहुत उसने ऐसा एक्साइटमेंट और उसने मेरे को बोला कि फिर उसने इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कि कब आए कहाँ पे आए कितने दिन रहने वाले मैंने बोला भाई जस्ट आई एम हियर फॉर घूमने के लिए आया हूँ तो उसने मेरे को अपना कार्ड दिया बोला कि तुम ये कार्ड कहाँ भी जाओ दिखाओ तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा तो मैंने पूरा जयपुर घूमा मेरे को किसी जगह पे कोई पैसा नहीं लगा अच्छा एक भी जगह जंतर मंतर से लेके मैंने नेशनल जू देखा सब देखा इधर भी सब जगह कार्ड देता था या तो कुछ प्रॉब्लम आता फ़ोन करता था वहाँ तो उन्होंने मेरे को एक भी पैसे का इधर भी मेरे को यही नहीं हुआ और दूसरा एग्जाम्पल मोस्ट मेरे लिए बहुत सुखकारी है मीन्स खुशी देता है कि नवसारी आई हॉस्पिटल है जो रोटरी इंटरनेशनल का रोटरी का हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं गया था मेरे मम्मी का इलाज कराने तो मेरे को पता नहीं था कि रोटरी का है मेरे को शॉप डॉक्टर ने बताया कि यह है तो उधर रोटरी के प्रेसिडेंट जो मेरे को मैंने उनसे मिला तो उन्होंने जो केयर किया है मेरे मदर का और जो दो टाइम उनको कभी भी दो टाइम उनको मिलने जाते थे
कि मैं हालचाल पूछने जाते थे कि बोल बोलो कैसा है मदर, कैसी क्या है। उनसे लगा के उनके स्टाफ भी इतना ही उनका केयर करते, जो फिर उन्होंने जाते समय मेरे को और एक पूछा कि भाई अभी इसमें और तुमको कुछ कंसेशन चाहिए क्या भाई डिस्काउंट पे। मैं बोला नहीं, इतना आपने किया मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, ये डिस्काउंट आप किसी दूसरे के लिए रखना। तो ये पिन का एक ये है, तो मैं सब जब भी जाता हूँ पिन एक आप आउट ऑफ डाउन जाता हूँ पिन पहन के जाता हूँ, तो पिन पहनना बहुत ही जरूरत है। तो सुना आपने भाई और बहनों, पिन का पावर, रोटरी पिन का पावर। संजय का खुद का एक्सपीरियंस है, जोधपुर घूमने गए, रोटेरियन मिला और जोधपुर में कहीं पे भी फीस नहीं लगी उनको, हालांकि पैसा बचाने का मकसद नहीं था उनका। जो भी दिक्कत आई वहां पे भी वो फोन कॉल से काम हो गया, और सबसे बड़ी बात कि नवसारी हॉस्पिटल में उनकी मम्मी का ऑपरेशन जो हुआ उसमें सारी सुविधाएं मिली, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिला और सभी खुश हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है संजय, बहुत बड़ी बात, एंड वी आर ग्रेटफुल टू रोटरी फॉर यू नो ऑल दिस। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल गिवन। संजय एक बताइए कि हमें सर्विस प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं अपने एरिया में ही करनी चाहिए या दूर भी जाना चाहिए? सर मेरा मानना है कि अपने एरिया में ज्यादातर अपने एरिया में करना चाहिए। इसके दो बेनिफिट है, अपने एरिया में हमें पता रहता है कि किसको क्या चाहिए, और उससे करने से अपना प्यार ज्यादा बढ़ता है। उससे फायदा बेनिफिट यह होता है कि अपने मेंबरशिप भी अपने को ज्यादातर अच्छी तरह से मिलती है, और सामने से मेंबर्स रेडी होते हैं क्योंकि अपना काम उधर दिखता है, सामने दिखता है। फार अवे अगर जाएंगे तो उधर के लोग अपने को पहचानेंगे कि भाई क्लब रोटरी क्लब ढाणू ने किया है, ओके चलो। लेकिन अगर ढाणू में करेंगे, ढाणू के ढाणू में अपन करेंगे, तो ढाणू के सराउंडिंग वाले भी पहचानते, जो आने वाले भी पहचानते उसके अंदर कि भाई ये संजय खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़े ये मेंबर ये खड़े, तो और दूसरे को दो चार जन को इंट्रोड्यूस देते हैं। ऐसे ही हमारे अभी दो तीन मेंबर इस हमने जो कैंसर डिटेक्शन कैंप किया था उसकी वजह से फिर मैं तीन चार मेंबर इंट्रोड्यूस को काम दे। तो क्या उधर आप काम करो तो ज़्यादा बेनिफिट क्लब के लिए रहता है और प्रोजेक्ट्स भी अच्छी तरह से होते हैं। सो इम्पैक्ट द इमीडिएट कम्युनिटी वेयर योर क्लब इज लोकेटेड। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय संजय, वेरी सेइंग ही मेड अ डिफरेंस टू द कम्युनिटी। वर्क वॉज डन वेरी वेल बिकॉज दे वर क्लोज बाय एंड दे गॉट न्यू मेंबर्स बिकॉज पीपल सॉ द गुड वर्क हैपनिंग। सो दैट्स ह्यूज बेनिफिट एंड वेल वेल थॉट ऑफ आइडिया संजय, ग्रेट। सो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वंस पोलियो गेट्स इरैडिकेटेड व्हाट डू यू थिंक शुड बी अवर नेक्स्ट थ्रस्ट एरिया? आई थिंक नेक्स्ट थ्रस्ट एरिया इज कैंसर डिटेक्शन इज माय ऑब्जर्वेशन, बिकॉज कैंसर से अभी बहुत ज़्यादा लोगों का ये होने लगा है। तो क्या फर्स्ट स्टेज पे अगर पता चल जाए कि आदमी को कैंसर है तो उसका इलाज होने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे हमने अभी लास्ट ईयर 3 दिन का कैंसर डिटेक्शन का कैंप रखा, उसके अंदर 128 मेंबर्स जो पेशेंट्स ने भाग लिया था, तो तब से मेरे को ऐसा इलाज कि भाई अगर डिस्ट्रिक्ट भी अगर थ्रस्ट एरिया कैंसर डिटेक्शन के लिए अगर पूरी कोशिश करे तो क्या है कि आदमी जब कैंसर हो जाता है सेकंड स्टेज थर्ड पे में पता चलता है उसको, अगर फर्स्ट स्टेज पे उसको पता चले तो डेफिनेटली वो क्योर कर सकता है और अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है, और उसके फैमिली भी सर्वाइव हो सकती है, उसका पूरा समाज के लिए भी अच्छा रहता है। तो अगर इसके ऊपर गौर करें और ये अगर करें तो उस पूरा जैसे पोलियो से पूरा एक आदमी अपंग हो जाता, पूरा उसका लाइफ उसका ये हो जाता है खराब। तो जैसे ही कैंसर का भी है तो मेरे हिसाब से कैंसर को भी थ्रस्ट एरिया ये करना। वेरी नोबल थॉट, वेरी नोबल थॉट। अगर रोटरी पोलियो पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर सकती है तो श्योरली अपनी डिस्ट्रिक्ट कैंसर को साथ में ले सकती है सारे क्लब्स को लेके। दैट इज संजय आइडिया। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आदमी बच जाता है कैंसर अर्ली डिटेक्शन से तो पूरी फैमिली सर्वाइव कर जाती है, अगर आदमी जाता है कैंसर की वजह से तो पूरी फैमिली खतरे में आ जाती है। That's a very, very noble thought, and I must congratulate you. Thank you. Very good thought, and please note, my dear friends, that cancer is needs us, needs Rotary.
सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क संजय कि क्या रोटरी को पब्लिक रिलेशंस के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहिए विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए? यस यस ओके, खर्चा करना चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज की इसमें अगर आप जो काम करते हैं अगर उसको पब्लिश नहीं किया तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने अगर कैंप लिया है अगर मैं उसको पब्लिसिटी नहीं करूं तो लोगों को कैसा पता चलेगा कि मैंने ये कैंप किया है या मैं ये करने वाला हूं। जो अगर मैं कर रहा हूं वो जो मुझे करना है तो उसको अगर मैं पब्लिश नहीं किया उसके ऊपर मैंने खर्चा नहीं किया तो लोगों को पता नहीं चलेगा और मेरे को जो इसको बेनिफिट देना है वहां तक वो बात पहुंचेगी नहीं। वो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे को बैनर्स लगाने पड़ेंगे, मेरे को मोबाइल पे उसका ये डालना पड़ेगा, मुझको होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, माउथ पब्लिसिटी करना पड़ेगा, पैम्पलेट छापने पड़ेंगे तो पब्लिक को पता चलेगा कि क्लब क्या करने वाला है कैसे करने वाला है। तो वो पब्लिसिटी जरूरी है तो लोगों को बेनिफिट उसका मिल सकता है। यानी उसके ऊपर अगर आप खर्चा करेंगे तो ही ये होगा और तो ही अपन लोगों की सर्विस कर सकते। सो वेरी गुड पॉइंट, ये आप समझे संजय क्या बोल रहे हैं कि बेनिफिशियरी को कैसा पता चलेगा अगर आप पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग सोचते नहीं है, हमको यही लगता है कि पब्लिक रिलेशन मतलब शोशा, पर एक्चुअली बेनिफिशियरी को डायरेक्टली फायदा मिल सकता है उससे क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम हो रहा है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन विद संजय। थैंक यू वेरी मच संजय फॉर कमिंग टू द शो एंड रिप्रेजेंटिंग दानू। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर but Danu is the northernmost part of district 3141, almost gujarat maharashtra border pe hai aur hum log south bombay se aaye hain lekin aap dekh rahe hain ki yahan pe south north jaisa kuch hai nahi, rotary is one and we all will stay one and work together for the community. So that brings us to the end of the an episode of alpha bites. Thank you very much to dg sandeep agarwala and team alpha bites. Thank you for watching. Thank you Upendra. Thank you.